हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय डियर जिंदगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज। अभी मैं आ चुका हूं गोपालगंज ज़िले के सिपाया फार्म के पास। यहां पे आप देख सकते हैं ये सैनिक स्कूल है, जो कि इसके पीछे और ज़्यादा जो बिल्डिंग से वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बांध है, और मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं वहाँ पर ले कर चलूँगा, दिखाऊँगा। बांध जो है वो पानी को रोकता है और एक साइड से दूसरे साइड में नहीं जाने देता है पानी, जिसके वजह से अगर पानी आएगा तो यहाँ पे इस गांव में बाढ़ आ सकता है। आपने सुना होगा कि कहीं कहीं जो बांध है वो टूट गया है, जिसके वजह से गांव में पानी लग चुकी है। तो यही वो बांध है, और इसके दो तीन लेयर भी होते हैं, मतलब एक मेन बांध होता है, एक और बांध होता है, ऐसे होते हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। यही सब जो यहाँ पे मुझे बताया गया कि ये मेडिकल कॉलेज है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा। चलिए मैं आपको ले कर चलता हूँ गेट के पास, और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए, बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है या मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए मैं आपको गेट के पास ले कर चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलेज का बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो इसी कॉलेज के जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त मिल चुके हैं, तो सोचा कि इनसे भी कुछ बातें कर लूँ और आपको इस कॉलेज के बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले एक हमारे भाई साहब यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? शशि रंजन। शशि रंजन, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में। आपका क्या नाम है? मैंने भी जी इकलाम फ्रॉम मोतिहारी। मोतिहारी से। क्या रांची सिविल। सिविल ब्रांच है। आपका भी सेकेंड ईयर है? सेकेंड ईयर है। आपका? मेरा नाम साहिल सिंह है। साहिल, मेरा ब्रांच भी सिविल है। सिविल है। आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पाल और मैं गोपालगंज निवास करता हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। माय नेम इज एमडी अब्दुल्ला फ्रॉम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे एक और भाई साहब आए हैं, दोनों कान में हेडफोन लगाए। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। कहाँ से है? सनी कुमार। चलिए, सनी कुमार आपका घर पूछ रहे हैं कहाँ से? मोतिहारी से। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया हो रहा है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी हो रही है पढ़ाई। कुछ बताइए अपने कॉलेज के बारे में, क्या क्या है यहाँ पे, ग्राउंड वगैरह सब कुछ है कि नहीं? ग्राउंड है। ग्राउंड है। ग्राउंड छोटा है। छोटा ग्राउंड है, इसके लिए बड़ी ग्राउंड के लिए मांग किया गया है। अच्छा अच्छा। जो हाँ, यहाँ पे जगह है तो मिल सकता है। खानसा जल्द मिलने का चांस है। ग्राउंड है यहाँ पे। जस्ट नीतीश कुमार आए हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मैं आ रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज है, तो मुझे तो कंफर्म नहीं था, आप बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज के लिए मांग हुआ है ना? अच्छा। बगल में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। हम चांस है 2025 तक खुल जाए मेडिकल कॉलेज। मतलब मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे मांग चल रहा है। मांग चल रहा है, लेकिन वो थावे बनेगा। थावे बनेगा। थावे के पास एक जमीन है, वहीं पे थावे में बनने वाला। थावे में हो गया, फाइनल बनेगा। अलर्ट हो चुका है सर। यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में सैनिक स्कूल है। अच्छा, सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल, उसके बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। गर्ल्स बॉयज दोनों हॉस्टल यहाँ पे। खाना कहाँ खाते हैं आप? मेस। ये बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल? सामने है। अच्छा, पीछे है। ऑडिटोरियम है। खाना कहाँ खाते हैं आप लोग? मेस में। खाना कैसा मिलता है? ठीक है, खाना ठीक ही मिलता है। नहीं, घर के जैसा तो कहीं नहीं मिलेगा। घर के जैसा कहीं नहीं मिलेगा। बहुत दिक्कत है हम लोग यहाँ पे। किस चीज के लिए? खाना में। खाना में दिक्कत है? मतलब सही क्या नहीं मिलता है? चिकन मटन ये सब तो नहीं मिलता होगा? नॉनवेज वेजिटेरियन दोनों है, दोनों है। एक बार मिलता है, संडे को मिलता है। चलिए, पढ़ाई करना है तो ऐसा नहीं है कि आप बिरयानी खा के ही पढ़िएगा। फिर भी वो भी चाहिए ना, सेहत के लिए चाहिए। जब देखा नहीं रहेगा तो पढ़े क्या करेंगे? सही बात है। सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई होता रहेगा। मतलब चलिए, वैसे भी देखने से मिलता है कि कोई भी कॉलेज में मेस का सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, हाँ, होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे एक रूटीन होता है कि आपको इस दिन ये खाना मिलेगा, दूसरे दिन ये मिलेगा। हर जगह है, तो हर जगह है।
हर जगह है और मिलता है, तो होता क्या है कि एक ही खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं बच्चे, इसी के वजह से खाना अच्छा नहीं लगता है, यही है। अच्छा, मेडिकल का फैसिलिटी आप लोगों को, जैसे कभी कोई बीमार पड़ गया तो कहाँ जाना पड़ता है? बगल में अभी नहीं है, अभी नहीं है, मतलब कॉलेज में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। मेडिकल रूम है, मेडिकल रूम है, उसमें मेडिसिन का भी बहुत प्रॉब्लम है, मेडिसिन नहीं रह पाता है पर्याप्त रूप से, तो छोटा मोटा जो बीमारी है उसके लिए है, अगर इमरजेंसी हो जाता है तो बाहर से गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। चलिए, कोई संदेश है जो आप देना चाहते हैं, मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनको, या कुछ भी या कोई प्रॉब्लम हो? प्लेग्राउंड का प्रॉब्लम है, एरिया बहुत छोटा है, इसके लिए मांग हुआ है। कौन सा प्लेग्राउंड? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कौन सा? जब ग्राउंड रहेगा तभी ना कोई खेल नहीं, जैसे कि अलग अलग होता है ना सबका, तो किस चीज़ का ग्राउंड? क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा तो फुटबॉल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ग्राउंड बनने वाला है बगल में पीछा, बहुत सारे कॉलेज में स्विमिंग पूल होता है। हाँ होता है, यहाँ पे नहीं है, इस कॉलेज में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग हुआ है। हाँ, तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा कोई भी चीज़ शुरुआत में। यही कहना है कि अंततः लास्ट तक ये भी कॉलेज अच्छा बेहतर रहेगा कुछ ही दिनों में। यही है कि अब बिहार के बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, कम पैसे में अपना कोर्स कर सकता है, कम पैसे मतलब कोर्स कर। तो चलिए, आप लोगों से मिल के काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा मैं अपने दर्शक को थोड़ा सा और दिखा दूँ जहाँ तक मुझे पॉसिबल होता है, उधर ले जाके दिखा सकते हैं। और पहले गार्ड साहब से मैं परमिशन ले लेता हूँ, अगर जाने देंगे उसके बाद से मैं जाऊँगा।